बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है गुस्सा। आजकल के मशीनी दौर में बहुत से महंगाई की वजह से माशरती नफसियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा का एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो आज इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ इस तरह के वज़ाइफ के मतलब बात करेंगे जिनके करने से काफ़ी हद तक ये गुस्से के एलिमेंट जो मर्द और औरत दोनों में क्योंकि ये पाया जाता है तो इसको कंट्रोल किया जा सके। तो आते हैं हम वज़ाइफ की तरफ ताकि कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वज़ाइफ आपको बता सकूँ। एक तो पहले ये है कि आप 41 दिन तक सूरत फातिहा डेली 41 दफ़ा सूरत फातिहा 41 दिन तक पानी पर दम करके आप पिलाएं, इंशाल्लाह ताला मिजाज में नरमी आ जाएगी। फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की बात कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा सूरत आले इमरान है, इसकी आयत नंबर 134 ये है, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। ترجمہ، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ तो मेरे भाइयों, आपने इस आयत को रोज़ाना 11 मरतबा 21 दिन तक बिला गमागा किसी मीठी चीज़ पे या पानी पर दम कर लें और इसको पिलाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे गुस्सा रफा दफा हो जाएगा। और इसके अव्वल और आखिर में दुरूद इब्राहिमी मैं जिक्र करता हूँ, इसका ज़रूर आपने पढ़ना है। इंशाल्लाह ताला इस आयत की तलावत करें तो काफ़ी इंशाल्लाह ताला फ़र्क आएगा। इसके अलावा इसी में अगर आप एक और आएगी इसी के अंदर आप पूरा पढ़ने की बजाय वल काज़िमीन और ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास ये भी पढ़ लें। अगर पूरी नहीं पढ़ते इस आयत को तो ये चीज़ पढ़ लें, तो इसको 21 दिन तक सुबह शाम एक तस्बीह पढ़कर पानी पर दम करके पिए। इस अमल की बरकत से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ें काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा कोई शख्स है जिसमें गुस्सा बहुत सख्त आता है, एकदम आता है, बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो इसमें आप 7 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 1 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर खाने वाली चीज़ों पे दम कर लें। 7 दफ़ा बिस्मिल्लाह और 1 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर लें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। और ये आप अमल किसी दूसरे शख्स के लिए भी कर सकते हैं, मकसद कहने के आप पढ़ें, उस खाने पे दम करें और जिसको गुस्सा आता है उसको खिला दें, इंशाल्लाह ताला इससे भी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एक और है, या गफूर या लतीफ़ू या वदूद, ये 3 चीज़ें, या गफूर हो, या लतीफ़ू, या वदूद, आप कसरत से पढ़ें। और इसके साथ 3 तस्बीह सूरत इखलास की अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के उस बंदे को हदिया कर दें जिसको गुस्सा आता है। बीवी पढ़ सकती है, शोर को बहुत गुस्सा आता है, या शोर पढ़ सकता है, बीवी को बहुत गुस्सा आता है, तो या गफूर हो, या लतीफ़ू, या वदूद, इसकी कसरत से आप मतलब उठते बैठते पूरा दिन में जब भी होता है इसको पढ़ते रहें और 3 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के ना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसको दम कर दें और खाने पे या पानी पे कर दें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा गुस्सा, ब्लड प्रेशर का मसला था, आमतौर पे इन लोगों को ब्लड प्रेशर भी बहुत होता है, जो गुस्से वाले थे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, गुस्सा कर करके इनकी आदत में वो फिर ब्लड प्रेशर का भी इनको इशू हो जाता है। तो इसका एक और तरीका है कि आप नाक पर उंगली रखकर 66 टाइम पे औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें, नाक पे उंगली रख के सुबह और शाम 66 टाइम्स पे, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा
उठते बैठते चलते, मतलब कि सारे काम करते, खाते पीते चलते, हर कोशिश के ज्यादातर टाइम पे या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन इसकी आप पढ़ते रहें, जुबान पे दिल में पढ़ते रहें, इससे भी इंशा ताला बहुत फर्क पड़ेगा। फिर एक और है या अफू या एन फे वाओ या अफू 100 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के। आप खाने वाली चीज या पीने वाले पानी पे दम कर दें तो इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और इसके अलावा इसके साथ साथ कसरत से या खालिकों का वर्द करते रहें, या खालिकों का वर्द करते रहें, या फुबू 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ और कसरत से या खालिकों का वर्द, इंशाल्लाह ताला इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरे भाइयों इस तरह अभी वज़ाइफ तो बहुत है, मैंने आपको ये मेन बता दिए 5-6, इनमें से आप जो सा भी बेहतर समझते हैं अपने लिए कोई भी वज़ाइफ। लेकिन कोई भी वजीफा करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ मेरी कि आपके अंदर यकीन होना चाहिए, यकीन का एलिमेंट बहुत होना चाहिए, शक में पड़ेंगे तो नहीं। दूसरी आपकी हलाल की रोजी होनी चाहिए, आपके पेट में हराम नहीं जाना चाहिए। फ़राइज़ में नमाज, खसूसन नमाज अदा करें। दूसरा कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करें, जिसमें जना, कत्ल, वालदेन की नाफरमानी, ये इन चीज़ों से बचें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन वज़ाइफ में से किसी एक को जो मैंने आपको बताया, किसी एक को फॉलो करें, इंशाल्लाह यकीन के साथ देखेंगे अल्लाह ताला आपके लिए खैरियत का मामला करेगा। मेरे भाइयों अल्लाह ताला आपको और मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकी फैलाने का जरिया बनाए।